अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का वीडियो है सद्दाम हुसैन की रियल हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअली दिस इज़ नॉट रियल हिस्ट्री ऑफ सद्दाम हुसैन, बट उनकी बेटियों के बारे में, उनकी डॉटर्स के बारे में। तो हमें सद्दाम हुसैन के बारे में तो पता है, बट उनकी बेटियों के बारे में नहीं पता। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट दिस वीक। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को तो आप में से लगभग सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि सद्दाम हुसैन को हमेशा से ही दुनिया के लोगों की तरफ से अलग अलग तरह से देखा जाता है। कोई इनको हीरो मानता है तो कोई उनको विलन भी मानता है। मगर वो एक बात कि जिस पर लगभग सभी लोग एग्री करते हैं, वो ये है कि सद्दाम हुसैन पिछले 60 से 70 साल के मुस्लिम इतिहास के सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर नेता थे। यानी पिछले 50 से 60 सालों के अंदर पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर शायद ही कोई सद्दाम हुसैन जैसा ताकतवर और मशहूर नेता पैदा हुआ है। तेल की दौलत से मालामाल इराक पर सद्दाम हुसैन ने एक लंबे वक्त तक राज किया था। उनके दौर में ये कहावत मशहूर थी कि सद्दाम हुसैन की इजाज़त के बगैर इराक के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मगर फिर वक्त बदला और अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने सद्दाम हुसैन के ऊपर धीरे धीरे बहुत सारे बड़े बड़े और खतरनाक इल्जाम लगाना शुरू किए। नतीजा ये हुआ कि पहले तो अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया, यानी जंग की, और उसके बाद सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई। और फिर वो दिन भी आ गया कि जब 30 दिसंबर सन 2006 में सद्दाम हुसैन जैसे ताकतवर लीडर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, ये दिन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 10 जिलहिज्जा का दिन था, यानी कि उस ईद का दिन कि जिस ईद में मुसलमानों के घरों पर कुर्बानी दी जाती है। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी इतिहास की वो अजीबोगरीब फांसी की सजा थी कि जिसको पूरी दुनिया के हर आम और खास इंसान ने अपनी टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर बड़ी आसानी के साथ देखा था। फिलहाल दोस्तों, सद्दाम हुसैन के साथ तो जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप में से लगभग सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, और आप लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बड़ी गहराई के साथ पढ़ और सुन रखा होगा। मगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन की उन दो बेटियों के हालात के बारे में कि जो सद्दाम हुसैन की जिंदगी में उनके हद से ज्यादा अजीज और हद से ज्यादा लाडली हुआ करती थी। क्या आखिर सद्दाम हुसैन के खत्म होते ही उनकी इन दोनों अजीज और प्यारी बेटियों की जिंदगियां पूरी तरह से कैसे बदल गई थीं, और कैसे सद्दाम हुसैन जैसे अमीर और ताकतवर लीडर की बेटियां डायरेक्ट महलों से झोपड़ियों में आ गई थीं। ये कहानी है सद्दाम हुसैन की दो लाडली बेटियों, यानी कि रगत और राना हुसैन की। इनके बारे में ये मशहूर है कि सद्दाम हुसैन की जिंदगी में इन दोनों के पास तीन तीन महल हुआ करते थे। रगत हुसैन के महल में 12 गाड़ियों के साथ साथ 52-53 के करीब नौकर हुआ करते थे। रगत हुसैन के सिर्फ और सिर्फ एक महल का खर्चा ही सालाना $50 मिलियन के करीब बताया जाता था। वहीं दूसरी तरफ राना हुसैन को स्पेशल चीजों का बहुत शौक था। राना हुसैन के बारे में ये मशहूर है कि राना हुसैन के लिए सिरका जिनेवा की एक कंपनी खास तौर से तैयार किया करती थी, और राना ने इस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि वो इस खास सिरके को किसी भी दूसरे कस्टमर को नहीं देगी। साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि राना हुसैन के स्पेशल शूज भी इटली की एक कंपनी की तरफ से तैयार किए जाते थे। राना हुसैन के लिए स्पेशल कपड़े और खुशबू भी पेरिस से मंगाई जाती थी। पूरे के पूरे बगदाद में ये मशहूर था कि जिस तरह की खुशबू राना इस्तेमाल करती है, इस तरह की खुशबू पूरे इराक में किसी भी औरत के पास मौजूद नहीं है। राना के साबुन की कहानी भी कुछ इसी तरह है, जो लंदन में तैयार किया जाता था और खास राना के लिए ही हुआ करता था। ये दोनों की दोनों सद्दाम हुसैन की बेटियां शादीशुदा थीं, जिनके अपने बच्चे भी थे, और जाहिर है इनके बच्चे भी एक शाही जिंदगी ही गुजारा करते थे। इन लोगों के पूरे महल एयर कंडीशन हुआ करते थे। इवन घोड़ों के अस्तबल और उन गायों के बाड़ों में भी फुल फैसिलिटीज अवेलेबल हुआ करती थीं कि जिन गायों के जरिए से महल में रहने वाले लोगों को दूध प्रोवाइड कराया जाता था। महलों की साफ सफाई के लिए भी बहुत सारे नौकर और बड़ी बड़ी मशीनें भी हमेशा तैयार रहा करती थीं। दोस्तों, उस दौर में ये दोनों शहजादियां और इनके बच्चे इराक के जिस इलाके से भी निकल जाया करते थे, उस इलाके में रहने वाले लोग हकीकत में इनके लिए अपनी पलकें बिछा दिया करते थे। मगर फिर वक्त ने अपने आप को पूरी तरह से बदला, और कुछ दिनों के बाद ही ये महलों में रहने वाले लोग बगदाद के उन दो छुपे हुए ऐसे कमरों में रह रहे थे कि जहां पर ना तो बिजली थी और ना ही पानी मौजूद था। यानी इन लोगों की जिंदगी अचानक से अर्श से फर्श पर आ गई थी, और ये सब कुछ हुआ था सद्दाम हुसैन का दौर
खत्म होने की वजह से, यानी जैसे ही सद्दाम हुसैन के हाथ से पावर गई, वैसे ही इन सब की जिंदगी भी इनके खुद के लिए ही अजाब बन गई। वैसे तो आप लोगों ने भी ये जरूर पढ़ा या फिर सुना होगा कि जब सन 2003 में सद्दाम हुसैन के हाथों से पावर गई थी और सद्दाम हुसैन की फैमिली को अमेरिका के फौजी बुरी तरह से ढूंढ रहे थे, तो उस दौर में सद्दाम हुसैन की इन दोनों ही बेटियों ने जॉर्डन की तरफ रुख किया था और जॉर्डन में जाकर रहना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जॉर्डन की जो रॉयल फैमिली थी, यानी बादशाह की फैमिली, उसने भी इन लोगों का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था और इनको उस खतरनाक दौर में भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया था। उस दौर की बड़ी बड़ी ताकतों ने बहुत कोशिश की कि जॉर्डन किसी तरह से झुक जाए और इन लोगों को हमारे हवाले कर दे, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी जॉर्डन ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और तब से लेकर आज तक लगातार सद्दाम हुसैन की ये बेटियां जॉर्डन में ही रह रही हैं। मगर दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इन दोनों बहनों के लिए जॉर्डन आने से पहले के जो दिन थे, यानी जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और सद्दाम हुसैन के हाथ से पावर चली गई थी, तब से लेकर उस दिन तक कि जब तक ये लोग जॉर्डन नहीं पहुंचे थे, इस बीच के जितने भी दिन थे वो यकीनन इन दोनों बहनों के लिए और इनके बच्चों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। ये दोनों बहनें जिन दो छुपे हुए छोटे छोटे कमरों में रह रही थी, वो ऐसी जगह पर मौजूद थे कि जहाँ तक ना तो कोई गली पहुँचती थी और ना ही कोई सड़क पहुँचती थी। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लोकेशन क्या थी। महलों में आलीशान जिंदगी गुजारने वाली इन दोनों शहजादियों और इनके बच्चों के लिए अब वहाँ पर ना तो बिजली थी, ना पानी था, ना फ्रिज था, ना बड़ी बड़ी सफाई के लिए मशीनें थी और ना ही नौकर मौजूद थे। इवन ना ही इनका कोई हालचाल पूछने वाला इंसान भी मौजूद था। सद्दाम हुसैन का एक करीबी रिश्तेदार हुआ करता था कि जिसका नाम इजीउद्दीन मोहम्मद हसन अल माजिद हुआ करता था, और यही वो इंसान था कि जिसने सद्दाम हुसैन की बेटियों की खैरियत लेने के लिए उनके इन छोटे छोटे और छुपे हुए कमरों का दौरा किया था और बाद में सही वक्त पर मीडिया के सामने इस पूरे मामले को उजागर किया था। उस दौर में इस रिपोर्ट को इंडिया के जी न्यूज के अलावा दुनिया की बहुत सारी छोटी बड़ी वेबसाइट्स ने कवर किया था। सद्दाम हुसैन के इस करीबी रिश्तेदार के दावे के मुताबिक ही सद्दाम हुसैन की बेटियों ने इन बुरे दिनों में खुद ही अपने नर्म और नाजुक हाथों से अपने कमरों की सफाई की थी। वो लोग खुद से ही झाड़ू लगाया करती थीं और खुद से ही कपड़े धोया करती थीं, अपने लिए खाना बनाया करती थीं और टॉयलेट भी साफ किया करती थीं। अब क्योंकि कमरों में पानी भी मौजूद नहीं था, इसीलिए कमरे से काफी दूर नलों से पानी भरकर भी लाया करती थीं। यानी दोस्तों, सिर्फ चंद महीने पहले तक जिन दो शहजादियों की जिंदगी महलों में बड़ी शान और शौकत के साथ गुजर रही थी, अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, भले ही हालात की वजह से ये इतनी बुरी कंडीशन में आ चुकी थीं और इतनी ज्यादा मजबूर हो चुकी थीं, मगर फिर भी थी तो आखिर सद्दाम हुसैन जैसे बड़े और ताकतवर नेता की बेटियाँ ही। इसीलिए वो वक्त बहुत जल्द ही आ गया कि जब जॉर्डन जैसे देश ने इनको पना दी और एक बार फिर से इनको अपनी नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला, और आज तक ये लोग जॉर्डन में ही अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। फिलहाल दोस्तों, आज के हमारा रिएक्शन ऑन रियल हिस्ट्री ऑफ सद्दाम हुसैन डॉटर। हमें ये चीज़ के बारे में पहले पता नहीं था, हमें सद्दाम हुसैन की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता है। हमने काफ़ी वीडियोस पर रिएक्शन दिया है, 50 फैक्ट्स पर रिएक्शन दिया है, उनकी फांसी कैसे हुई थी उस पर रिएक्शन दिया है, एंड उसके बाद जो US की जो लाइक जो गार्ड्स थे, उनके जो स्पेशल गार्ड्स जो उनके मरने से पहले, उनको फांसी देने से पहले जो उनके गार्ड्स रखे हुए थे, उन गार्ड्स की इंटरव्यू का भी रिएक्शन दिया है कि मतलब उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि सद्दाम हुसैन की मतलब अच्छे इंसान है, कैसे इंसान है, उनकी शख्सियत के बारे में उन्होंने गार्ड्स ने खुद बताया था। एंड बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली थी सद्दाम हुसैन के बारे में, एंड उसके साथ साथ जो ये डॉटर्स हैं, उनकी जो बेटियाँ हैं, उनके बारे में आज पता चला। बोलना चाहता हूँ, एक मुसलमान के ऊपर ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज उस मुसलमान की हर एक चीज़ को हर कोई नोटिस करता है और उसको जज करता है, और उसके रिलीजन को भी जज करता है। सिर्फ उसको ही जज नहीं करता, उसके रिलीजन को भी जज करता है। ये सिर्फ इस्लाम में ही होता है, हर जगह पे नहीं होता। आप कोई भी मज़हब लगा लो, वहाँ पे अगर कोई इंसान गलती करेगा ना तो वो इंसान की गलती है, बट अगर मुसलमान गलती करेगा ना तो वो इस्लाम की गलती है, ऐसा लोग जज करते हैं। तो मतलब हमारे जो सहाबा थे, हमारे जो इतने बड़े बड़े खलीफा थे, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो खलीफा थे, ठीक है, हज़रत उमर रज़िया तलहाना, हज़रत अली रज़िया तलहाना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़िया तलहाना, हज़रत उस्मान गनी रज़िया तलहाना, भाई
उनका मुकाबला और उनके जैसा वो शासन, सही निज़ाम का, मैंने रज़िया तलहाना सही से बोला है कि नहीं बोला है, वेरी सॉरी, मैं उसमें हमेशा गलती करता हूँ, मुझे पता है, लड़की और लड़के को मिक्स कर देता हूँ, तो मेरे को इस चीज़ में माफ़ी दे देना। बट मैं मेरे बोलने का जो इंटेंशन है, विच इज़ के जो वो शासन, जो वो राज, वो जो सही तरीके से पूरा इस्लामिक निज़ाम से जो राज किया है ना उन्होंने, और जो शासन चलाया है, उनसे बेहतर किसी ने नहीं चलाया, कोई चला भी नहीं सकता है, क्योंकि बाकी सारे लोग जज्बात में आते हैं, बट वो उम्मती थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जंगें लड़ी हैं और उनकी तालीमात हासिल की हैं। बट हमारे जो करंट सिनेरियो के जो मुसलमान हैं वो जज्बाती ज़्यादा हैं और अमली तौर पे कम करते हैं, वो सही नहीं करते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से इस्लाम का जो रिप्रेजेंटेशन है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड वो बहुत अलग तरीके से आता है। सो बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस्लाम को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें इस दुनिया के सामने, सो दैट किसी की ज़रूरत ना हो कि हमारे इस्लाम के ऊपर कोई भी इंसान उंगली भी उठाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।